सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग में जो भी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। बराबर, इंजीनियरिंग में जितने भी एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर फार्मेसी हो या फिर एग्री हो, उनके लिए एडमिशन का जो कैप राउंड होता है उसके लिए पोर्टल खुल चुका है, पोर्टल बन गया है। बराबर, उसका उसके बारे में कैसे खोलना है इसके बारे में सारी जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे। और उसके साथ साथ हम ये भी देखने वाले हैं, अभी जो MHT CET का रिजल्ट लग चुका है, बराबर, PCM ग्रुप हो चाहे PCB ग्रुप, उसकी जो टॉपर लिस्ट है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो चुकी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करेंगे और हम मिलके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बोला गया है अभियांत्रिकी, मतलब इंजीनियरिंग, फार्मेसी और एग्री, जो भी MHTC का रिजल्ट आ चुका है उसके बारे में ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पर मराठी में लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। अभियांत्रिकी औषध निर्माण कुछ प्रवेश आवश्यक राज्य सामयिक प्रवेश परीक्षा, मतलब 36 डिस्ट्रिक्ट पे हुई थी। बराबर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ कितने कैंडिडेट्स बैठे थे PCM ग्रुप के लिए, 2,82,000। ठीक है, PCB के लिए 3,23,000। बराबर, उसके बाद इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, उसके बाद एग्जाम दिए हैं लोगों ने 2,31,000 और 2,36,000 PCB ग्रुप की। बराबर, तो यहाँ पे 81% उसमें से प्रेजेंट थे एग्ज़ाम में, और 72% प्रेजेंट थे PCB ग्रुप के लिए। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। यहाँ पर MHTCET 2022 अपरीक्षितील गुणवत्तेच्या आधारे अभियांत्रिकी औषध निर्माण शास्त्र व कृषी शिक्षण या पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्ष प्रवेश घेतला जातो। सदर परीक्षेचा निकाल 15 सप्टेंबर को लग गया 5 बजे। बराबर, तो उसके बाद हम देखने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाई हुई है, मतलब ये लिस्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो PCM, मतलब PCM ग्रुप में फर्स्ट टॉप 13 जो लोग हैं उनका लिस्ट है। यहाँ पर आप नाम भी पढ़ सकते हो, उनका रोल नंबर भी पढ़ सकते हो। बराबर, देखिए गोहिल, हार्दिक प्रताप, ये जो है ये 100% आया है, मतलब सारे के सारे जो टॉप 14 है सबको 100% आए। ठीक है, मुंबई से हैं, ठाणे से लोग हैं, पुणे से है, अकोला से है, मुंबई से तो ज़्यादा है। ठीक है, नागपुर से भी है। उसके बाद बात करते हैं PCM कैटेगरी वाइज फर्स्ट 3 टॉपर्स, कैटेगरी वाइज पहले 3-3 यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो SC कैटेगरी की बात करते हो तो 99.9%। बराबर, ST कैटेगरी में भी सेम है, 99.6 का टॉपर है। OBC में 99.99 का टॉप, NT2 में, NT में 99.97 का टॉपर है। बराबर, अब देखते हैं PCB ग्रुप के लिए। ठीक है, PCB ग्रुप की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हो आप फर्स्ट जो टॉपर्स हैं वो 100% के ही है। बराबर, और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं और भी टॉपर्स हैं हमारे पास, यहाँ पर देख सकते हो आप। ठीक है, तो पहले 14 टॉपर सब के सब 100% आए, और उसके बाद नीचे आते हैं तो कैटेगरी वाइज देखते हैं। कैटेगरी वाइज अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर बंडे इनका सरनेम है, और ये अकोला से हैं, और इनको 99.9% OBC कैटेगरी से 99, SC कैटेगरी से टॉपर है 99.99%, ST से 99.9%, NT से भी 99, मतलब सब 99.9% के हैं कैटेगरी में भी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज कितने लोग बैठे थे, क्या ये सब कुछ डेटा यहाँ पर दिया गया है। PCM के लिए ओपन में देखते हैं तो 97,000 थे, रिजर्व में देखते हैं तो 1,30,000, टोटल थे 2,31,000। बराबर, तो ये सारा डेटा मैं आपके साथ शेयर क्यों किया है ये बता दूँ कि आपको पता होना चाहिए कि टॉपर कौन से हैं और कितने मार्क्स बच्चों को मिले हैं PCM ग्रुप में और PCB ग्रुप दोनों में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं हम जो आपका कैप राउंड प्रोसेस का जो पोर्टल है वो कैसे आपको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो आपके सामने जो पोर्टल खुला है वही पोर्टल पे सारे नोटिफिकेशन आएंगे अगले जो भी कैप राउंड प्रोसेस चालू होगा BE BTEC के लिए या फिर बी फार्मेसी। यहाँ पर आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते, ये ओपन होने जाने के बाद यहाँ पर आप BE BTEC क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर BE BTEC का सारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो
सारे के सारे नोटिफिकेशन कब से शुरू हुआ है, क्या हुआ है, यहाँ पर आपको देख जाएंगे। और इस पोर्टल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखूंगा, डायरेक्टली आप वहाँ पर चले जाओगे और वो पीडीएफ का लिंक भी हो सके तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बस ये नोटिफिकेशन मैंने आपको बताना था, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये नोटिफिकेशन पहुँचना चाहिए। सबके साथ वीडियो शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, लाइक करोगे तो वीडियो ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।